इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जो पानी पानी हो गई। दिल्ली से लेकर मुंबई तक मौसम की मार पड़ी है। बारिश से दिल्ली और एनसीआर से लेकर मुंबई तक जिंदगी आफत में फंस गई है। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों की सड़कों पर पानी भर गया है और ट्रैफिक जाम हो गया है। दफ्तर जाने का वक्त है, लोगों को दिक्कत हो रही है। मुंबई में बारिश हल्की तो हुई जरूर है, लेकिन पहाड़ी गिरने के कारण 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। लगातार बारिश से कच्ची हो चुकी पहाड़ी की मिट्टी भी खिसक गई और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ये 3 अलग अलग इलाकों से तस्वीर जो आई है वो आपके सामने रख रही हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की है, दूसरी तस्वीर गुरुग्राम की और तीसरी तस्वीर मुंबई की है। सबसे पहले आपको दिल्ली की तस्वीर दिखाते हैं। ITU से लेकर प्रगति मैदान तक पानी भर गया है। गाड़ियां धीमी रफ्तार से चल रही हैं और ये तस्वीर आप देखिए जहां पर नाला कैसे ओवरफ्लो हो गया है। लगातार बारिश हो रही है, बारिश की वजह से जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी भी पोल खुलती है, क्योंकि पानी की निकासी सही समय पर नहीं होने की वजह से ही सड़कों पर पानी भर जाता है। अब पालम का हाल देखिए, जगह बदल गई लेकिन दिल्ली की सड़कों की हालत वही है। यहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ नजर आता है। और अब अगली तस्वीर आप देखिए, लाजपत नगर की तस्वीर। यहाँ पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी नजर आती है, अंधेरा ऐसा नजर आता है जैसे मानो शाम का वक्त हो गया हो और सड़कों पर इतना पानी है मानो कि ड्रेनेज सिस्टम काम ही ना कर रहा हो। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बताती है कि अगर 12 घंटे की बारिश में ये हाल है तो 2-3 दिन लगातार बारिश हो जाए दिल्ली में तो फिर क्या आलम होगा। दिल्ली से ज़्यादा बुरा हाल तो गुरुग्राम का है। सड़कों पर इतना पानी भरा हुआ है कि गाड़ियां डूबने लगी हैं। एक गाड़ी आप देखिए बीच सड़क पर खड़ी हुई है, आधी गाड़ी डूब चुकी है और अब इसे निकालने के लिए यहाँ से कवायद की जाएगी। बीच सड़क पर गाड़ी डूब गई है, इसका इंजन बंद हो चुका है। इस गाड़ी को यहाँ से निकालने का कोई प्रयास फिलहाल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं पानी बहुत ज़्यादा सड़कों पर भरा हुआ है और लोगों के सामने और कोई रास्ता नहीं है बजाय इसके कि वो पैदल पैदल रास्ता पार करें। गुरुग्राम का पुलिस स्टेशन देखिए, मानो दरिया बन गया हो। पुलिस स्टेशन के भीतर तक पानी जाती हुई तस्वीर आप देख रहे हैं। गेट से भीतर आप देखिए, जो पुलिस थाने का दरवाज़ा है, दरवाजे तक पानी ही पानी भरा हुआ नजर आ रहा है और गाड़ी भी इस पानी में कुछ हद तक डूबी हुई नजर आती है। गुरुग्राम से आई हुई 2 तस्वीरें हमने आपके सामने रखी। अब एक और तस्वीर आप गुरुग्राम की देखिए, सड़क पर मानो तालाब है, ये सड़क नहीं मानो तालाब है, कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। डिवाइडर तक पानी आ चुका है। लगातार 12 घंटे तक हुई बारिश के बाद ये आलम है दिल्ली और गुरुग्राम का, जहां पर बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। अब सरकार से सवाल इतना ही भर है, अगर 12 घंटे की बारिश में ये हाल है, 24 से 36 घंटे अगर बारिश हो गई होती तो फिर क्या स्थिति बनती दिल्ली NCR की, गुरुग्राम की क्या तस्वीर बनती। लोग किसी तरीके से अपनी बाइक को आगे खिसकाना चाहते हैं, डर रहे हैं कहीं स्कूटी आगे बढ़ा ली और फिर पानी के बीच में ये बंद हो गई तो फिर खींचेगा कौन। एक और तस्वीर आप देखिए, ये अंडरपास की तस्वीर है। अंडरपास से पास होने के लिए जगह नहीं है क्योंकि पानी भरा हुआ है, पानी ही पानी भरा हुआ है, लोग इसलिए अंडरपास से जाने में संकोच करेंगे। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में जाम की स्थिति भी बन गई है। जहां जहां जाम लग गया है उन इलाकों के नाम हम आपको बता रहे हैं, जिसमें से दिल्ली का व्यस्ततम इलाका ITO, प्रगति मैदान, DND फ्लाईवे, मोती बाग, INA और धौला कुआं। ये वो ऐसे इलाके हैं जहां पर आप जानते हैं सुबह दफ्तर का वक्त होता है, अमूमन लोग 8:30 से 9 बजे के बीच अपने अपने घरों से निकल जाते हैं दफ्तर की तरफ जाने के लिए और इस वक्त बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग और फिर ट्रैफिक की धीमी रफ्तार लोगों के सामने मुसीबत लेकर आई है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया TV YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया TV के साथ।